ये है कदंब का पुष्प। कदंब के पुष्प को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पसंद किया है। श्री कृष्ण कृष्ण है शरणम मम, इस मंत्र का जाप करने से और कदंब के वृक्ष पे जल अर्पित करने से, उसकी परिक्रमा करने से सब बाधाएं जीवन की दूर होती हैं। सभी समस्याओं का शीघ्र आपको रास्ता मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ को भी ये वृक्ष अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण के मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम इसका जाप करता है, उसके कभी शत्रु नहीं होते। उसको भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है, उसको पैसे का कभी अभाव नहीं होता, उसके जीवन से विघ्न बाधाओं का नाश होता है, मुकदमे में उसकी जीत होती है और सब प्रकार से उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं इस प्रयोग से। जो व्यक्ति स्नान के जल में कदंब के पुष्प को डालकर स्नान करते हैं, उसकी बृहस्पति की पीड़ा दूर होती है, बृहस्पति उसके लिए अच्छा बन जाता है। कदंब के वृक्ष की जो रोजाना परिक्रमा करता है और जल को चढ़ाता है, उसको बृहस्पति के सब नक्षत्रों में जो पैदा हुए हैं उनको अच्छा ही अच्छा होता है। घर की जो सीमा होती है उसमें कदम का वृक्ष शुभ होता है। इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ में लगाना शुभ होता है। इसको भूल कर भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना चाहिए, ये वृक्ष वहाँ इतना अच्छा फल नहीं देता है। कदंब के जो पुष्प होते हैं उसमें घी बूरा या शक्कर या शहद मिलाकर पूर्णिमा के दिन हवन जो करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा होती है। उस घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, यानी उस घर में पैसा ही पैसा होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।